और ये यहाँ पे देखिए कितना आई आई। फीचर फीचर आ गया, ऑफ रोडिंग आ गया पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टूरल फैमिली। और हम हैं आज बैंगलोर में। दो दिन पहले आए थे, काम की वजह से आना पड़ा था, और आज है वीकेंड, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। और अगर आप जब बैंगलोर में हैं और वीकेंड है तो आपको नंदी हिल्स तो जाना पड़ता है, जाना चाहिए। अगर आप नहीं गए हैं तो हम भी गा सकते हैं, सिर्फ नाम ही नाम सुना है। तो हाँ, अभी हम निकल रहे हैं, अभी हो रहा है 9:24, आराम से उठे और अभी नहा धो के निकल रहे हैं। हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं नंदी हिल्स, देखेंगे कैसा है क्या है वहां पर। थोड़ा सा अच्छा लगता है, कितने व्यू अच्छा आता है। वैसे तो सनसेट सनराइज के लिए वो ज्यादा मशहूर है, लोग वहां पर सुबह 3 बजे 4 बजे चले जाते हैं, मगर अभी इतनी जल्दी तो हमारा उठने का मन भी नहीं था और जाना भी नहीं था। तो अभी जब चेकआउट कर रहे हैं सोच रहे हैं कि वहां से होते हुए चलेंगे अपने चेन्नई, और बीच में अगर कुछ और भी होगा तो आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें तो भैया एक मौका चाहिए होता है कुछ ना कुछ देखने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का और आपको भी दिखाने का। तो अगर आप बेंगलोर में हैं और बेंगलोर के आसपास से हैं और या बेंगलोर आते हैं तो एक बार नंदी हिल्स जाइए, देखिए, अच्छी जगह है, अच्छा व्यू मिलेगा। पहाड़ी थोड़ा सा एक हिल पर है, जगह है और व्यू बहुत अच्छा आता है, तो वो भी हम भी देखने के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। और अभी हम निकल दिए अपने होटल से और यहाँ पे पानी भरा रहता है हर जगह, रोड खराब है सच में यार। आते बैंगलोर में खुदाई पड़ी, खुदाई हुई है पूरा सड़कें, फिर भी अच्छी जगह है, अच्छा मौसम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए कितना शानदार है, क्लाउडी मौसम है। ए बेर भी देखिए, बेर 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 ही है ना ये। बेर है छोटे वाले, वहाँ चेन्नई में बड़े वाला मिलता है, यहाँ छोटा वाला ही है। और अपनी गाड़ी की रेंज है 110 किलोमीटर ओनली, डीजल पड़वाना है। और ये जगह थी माराथली, हम रुके थे माराथली, अच्छी जगह है, थोड़ा सा यहाँ से आराम से कहीं भी जा सकते हैं आप। हम लोग काम था तो उसके लिए आए थे यहाँ पे, और अभी निकल रहे हैं सुबह सुबह के मौसम में। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत सारे हैं, बारबेक्यू नेशन है, उडुपी पार्क है, थालाकपट्टी भी है जो अपना चेन्नई का, तमिलनाडु का अच्छा वाला रेस्टोरेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मार्केट है पूरा अच्छा सा ही है, माराथली तक वैसे भी सब कुछ है इसमें। और अभी हम चल रहे हैं नंदी हिल्स, तब तक आप ये रेडिसन ब्लू भी है होटल, वहां रहते हैं ना रेडिसन ब्लू में, उदयपुर, उदयपुर में। और ये आगे हाईवे से हमने एक छोटा सा लेफ्ट लिया और यहाँ से नंदी हिल्स दिखा रहा है 22 किलोमीटर। पुलिस वाले भी खड़े हैं, आओ पकड़े, कोई तेज जा रहा हो, कुछ कर रहा हो, दोनों तरफ खड़े हैं। इधर गाड़ी खड़ी है लेफ्ट पे, हमारे लेफ्ट पे गाड़ी खड़ी थी और वहां पे एक खड़ा था और दूसरी तरफ भी एक खड़ा था। नहीं, इधर से सजाएगा तो उस तरफ वाले को दोनों तरफ से पकड़ेंगे ना। बच के कैसे चले जाए। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना सही लग रहा है, और हिल्स भी दिखने लगी। पानी की वजह से वैसे निशान वो पड़ गए हैं, वाटरफॉल गिरता होगा ना पानी बारिश का। तो ये देखिए कितना अभी टर्न वगैरह है, अभी तो बहुत कुछ है। 11:30 हो गया, 2 आवर्स हो गए हैं हमें निकले हुए होटल से, 2 घंटे हो गए और अभी भी 2.7 किलोमीटर और कितने सारे टर्न्स दिखा रहा है, सही लग रहा है, बढ़िया। क्या व्यू आ रहा है अल्टीमेट, ज्यादा इधर से बाहर दिख नहीं सकता, रोक के तभी आप देख सकते हो, अदरवाइज तो। अरे वाह,
मतलब है ना कितना भी टर्न ऐसा स्टीप टर्न है एकदम से मतलब महसूस नहीं होता कार में कि है ना वो क्रेटा में थोड़ा सा महसूस हो जाता था कि हाँ थोड़ा। तो ये क्या है पता नहीं इसका एंट्री है क्या यहाँ पर 60 रुपए की पार्किंग ली है फोर व्हीलर की और 20-20 रुपए तीन के अलग अलग 20-20 रुपए बच्चे की भी लगी बेटों की भी लगी है तुम्हारी भी टिकट लगी है बेटा अब बड़ी हो गई ना सब जगह टिकट लगेगी इसकी अभी तक हाफ टिकट में चलती नहीं अब तुम फुल टिकट में चलोगी सनराइज व्यू ये है देखो सनराइज व्यू ये है इधर ऊपर जाते हैं पहले सनराइज हो चुका है उधर अभी सनराइज पॉइंट जा रहे हैं सनराइज नहीं आफ्टरनून हो चुका है आफ्टरनून में सनराइज पॉइंट अलग ही मजा है अच्छा ऐसे भी जाती है क्या बस शायद वहां से जाती है मेरे को व्हाट द पॉइंट अरे वाह क्या व्यू आ रहा है शानदार अरे देखिए क्या शानदार व्यू है बस भी चल रही है अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं अराउंड 1 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर अगर आप नहीं चल पाएंगे तो बस भी मिल रही है कर्नाटक रोडवेज की और क्या शानदार व्यू है अल्टीमेट ये सारा पार्किंग है पहली बार आए हैं हाँ बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ी है ना चार बेंगलोर के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है ना तो इसलिए थोड़ा सा सही रहता है वहाँ से कुछ ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि लोग वहाँ ज्यादा पी रहे हैं नहीं वही जगह का है कि वो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो बहुत शानदार अभी पीछे देखिए कितने क्लाउडी हो रहे हैं पूरी तरह से क्लाउडी हो रहा है बहुत ज्यादा मतलब ये कल भी बारिश हुई हल्की हल्की धूप निकल आई फिर बारिश हो जाती है बेंगलोर का तो वैसे भी कहते हैं सबसे बेस्ट जो चीज बेंगलोर के लिए है वो है कि वेदर और सबसे खराब जो है वो है ट्रैफिक बेंगलोर का खैर वो तो सर आप सब जगह हो गया है दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं का भी हो ट्रैफिक तो बहुत खराब है मगर थोड़ा सा गजब व्यू अल्टीमेट वाला शानदार व्यू नंदी हिल्स अभी चलते हैं आगे बहुत दूर है और ये एक और पॉइंट है वो नीचे वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा ऊंचे आ गए और कुछ लोग यहाँ पार्किंग में से नीचे से आ रहे हैं देखो नीचे भी जा भी रहे हैं बड़े हाँ थोड़ा सा पत्थर पत्थर से होते हुए आ भी रहे हैं कुछ लोग सही है अपना थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप का सही है ऐसी बड़ा ठंडी ठंडी सी है ठंडा लग रहा है और इधर है सनराइज व्यू पॉइंट चिड़िया आ गई हैं उधर अर्कावती रिवर का वो है उद्गम पर चढ़ने के बाद टेंपल आ गया है गजब ये पूरा मैप है गांधी निलाया पलार रिवर नर्सरी व्यू पॉइंट पुष्करणी नेहरू निलाया ब्रह्माश्रम सनराइज व्यू योगानंदीश्वर टेंपल व्यू पॉइंट वीरांजनेया टेंपल हनुमान जी का टेंपल भी है अर्कावती रिवर उसका वो है ऑरिजिन एंट्रेंस पार्किंग गजब चलते हैं आगे और वो देखिए कैसे लोग पहाड़ पर चल चल के जा रहे हैं ये कितना शानदार व्यू है अच्छी जगह है इतना नाम सुना था कि भाई नंदी हिल्स आज देखा तो लगा कि हाँ भाई सही में अच्छी जगह है अपना वीकेंड पे आ जाओ आराम से लेके 4-5 घंटे आराम से आपके निकल जाएंगे और कितने लोग हैं आराम से बैठे हैं और यहाँ थोड़ा बारिश की वजह से पानी कीचड़ हो गई है ऊपर आके थोड़ा सा जिसकी वजह से आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए अगर आपके टाइम में भी ऐसा ही मिलता है तो कीचड़ ज़्यादा है
फिसलने का डर है, और एक बार फिसले तो हाथ पे टूटेंगे। और इतना ग्रीनरी है ना, बहुत भाई मानसून का टाइप का, तो अच्छा है, बहुत अच्छा मानसून। और ये बस है जो नीचे से पार्किंग से यहाँ तक लेके आई है घुमाते घुमाते रोड पे, और आप जाना चाहते हो तो यहाँ से वापस पार्किंग तक जा सकते हैं। और ये है सनराइज पॉइंट, हाँ कॉटेजेस भी हैं अगर कोई रहता वहता होगा तो। ये फूड कोर्ट वगैरह भी है, फूड कोर्ट है, पानी पूरी है, फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट चाट है, खाने पीने का है। और इधर भी रेस्टोरेंट है, कौन सा रेस्टोरेंट है ये, मयूरा पाइन टॉप रेस्टोरेंट। पानी की बोतल मिली है, ये बोतल भी साथ मिली है, ऐसी बोतल नहीं है वो बिस्लेरी और वो सब की, ये पर्ल पैट करके कुछ है, वही जो घर में हम यूज करते हैं फ्रिज वाली। 50 रुपए में पानी भी मिला है और ये भी दे दी है, मतलब वही है कि है ना, पानी तो नल वाला, पानी तो नल वाला, बोतल वैसे दे दी। 50 बहुत ज्यादा है। हाँ 50 रुपए की दी है ये, 20 रुपए की बोतल आती है इस तरह की, 20-30। ये है सनराइज पॉइंट जहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं सनराइज को, और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी बना हुआ है, सुलभ शौचालय, और पूरा बहुत भीड़ है। कहीं से वो उधर से थोड़ा सा वैसा व्यू आएगा, इधर से सिटी का व्यू आ रहा थोड़ा सा उधर, हाँ वो सेम बोलिए। ये है व्यू, पानी है, बंदर ही बैठे हैं दोनों, एक एक तरह इधर आओ तो सही। और चीना छपटी मत करना कुछ भी तुम, बंदर अच्छे हैं भैया, चीना छपटी नहीं करी। और ये देखिए, और ये है व्यू शानदार, अल्टीमेट वाला व्यू। और ये देखिए व्यू, सारे शहर का व्यू अल्टीमेट वाला, और सामने से सनराइज निकलता है ना तो एक अच्छा लगता होगा व्यू, वो तो हर जगह पहाड़ी पे होता ही है। हाँ हाँ, जिससे हम आए हैं अभी वो ही है वो। इधर ये रिसोर्ट वगैरह टाइप का है, और ये देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है, अल्टीमेट वाला व्यू नंदी हिल्स पे। ये है सनराइज पॉइंट, और यहाँ पे हम ये आए हैं, अभी सनसेट पॉइंट भी है, और बहुत टेम्पल भी है, नंदीश्वर टेम्पल है, एक हनुमान जी का टेम्पल है, वो भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं फैमिली। और ये लड़के अभी यहाँ चढ़ गए थे ऊपर क्लाइंबिंग प्रोहिबिटेड पे, और पुलिस वाला पकड़ के ले जा रहा है उसको कि चल, पहले तो समझाया कि ये ना कन्नड़ में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दिस इज़ अ हेरिटेज बिल्डिंग, तो इसमें चढ़ना मना है, मगर फिर भी नीचे माने हैं, तो लड़के ऊपर जाके फोटो खिंचा रहे हैं, तो उनको ले गया है वो पुलिस वाला। वो ये ना कि लोग किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, छोड़ दिया चलो। हाँ फिर वे ना टूरिस्ट को प्रॉब्लम हो जाता है कि अरे यार उनको अलाउ नहीं करते हैं, परेशानी हो जाती है फिर टूरिस्ट को भी, क्योंकि जो आ रहा है ढंग से अच्छी तरह देख लो देखने वाला। ये है योग नंदीश्वर स्वामी टेम्पल, नंदी जी का टेम्पल है ये, चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। जय नंदी महाराज। और ये है योग नंदीश्वर टेम्पल, गजब वे टू टेम्पल। यहाँ पे ये गेट है, और ये देखिए योगी नंदीश्वर टेम्पल, हाँ यहीं पे श्री योगी नंदीश्वर स्वामी। और अभी हम लोग दर्शन कर आए यहाँ पे नंदीश्वर टेम्पल में, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, मगर यहाँ से वापस निकाल दिया, और अभी शूज हमारे उधर मेन गेट पर ही हैं, तो वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा शूज लेने के लिए, और फिर वापस आएंगे यहाँ पे और भी देखेंगे। यहाँ से व्यू अगर अच्छा आ रहा है, पुलिस आउटपोस्ट भी है यहाँ पे नंदी हिल्स की पुलिस क्वार्टर्स, क्या व्यू आ रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, एसी भी फेल हो जाए, ऐसी हवा चल रही है, गजब ठंडी हवा चल रही है, मजेदार, और व्यू अल्टीमेट वाला व्यू आ रहा है, अल्टीमेट वाला व्यू गजब। और ये देखिए क्या शानदार व्यू है, वहां से जो हम खड़े हुए थे वो
पॉइंट जो बना रखा है उन्होंने, वहां से भी दिख जाएगा अच्छा, यहाँ से भी दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ से देखना है तो बहुत शानदार यहाँ से भी दिखेगा आपको व्यू। अभी कितना क्लाउडी हो रहा है, कितना क्लाउडी है। जाओ जाओ जाओ, कोई बात, मंकी भी है नहीं, छोटे छोटे देखो, छोटे छोटे मंकी हैं। अरे कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, आप देख सकते हैं कितना तेज है, अल्टीमेट मजा आ गया। वो छोटे छोटे पूरे में देखो खाली खाली है, वहां पर एक लेक है बहुत बड़ी, और देखिए वहां पर एक लेक है, और यहाँ पर ये छोटा सा क्लस्टर है, एक गांव वगैरह है छोटा सा, एक गांव ये है, एक गांव उधर है, एक गांव उधर है, ये छोटे छोटे से गांव हुए हैं, बाकी सारी खेती की जमीन है अल्टीमेट। लेक थोड़ी छोटी सी काफ़ी सारी हैं, एक सामने वो रही, एक वो रही, और एक उधर रही, बहुत सारी हैं सामने, बहुत दिख रही हैं अल्टीमेट। याशी नाम का इधर बैठ गए, बस है ठंडी हवा चल रही है अंदर तक, सिरहन सी हो रही है, जैसे सिरहन अंदर चीरती हुई जा रही है। इसी लोग यहाँ पे रहे, जैकेट वैकेट पहन के ज्यादा घूमते हैं। नहीं अच्छा है, मगर मौसम अच्छा हो रहा है ना, धूप नहीं है तो और अच्छा ज्यादा लग रहा है। और वहाँ पे अपना नंदीश्वर जी का टेंपल था, ये गणेश जी का टेंपल है, और ये हनुमान जी का टेंपल है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी मूर्ति है हनुमान जी की, बहुत अच्छा है। जय श्री राम। नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है, आपको भी दिखाएंगे फिर। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा प्ले ग्राउंड है, ये बच्चों के लिए प्ले एरिया, बच्चे खेल सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं नीचे उतर आए वहां सनराइज पॉइंट से, और ये रास्ता जा रहा है कहाँ, अर्कावती रिवर ओरिजिन और टीपू ड्रॉप करके पॉइंट है, दो वहां जा रहे हैं। यहाँ भी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, कितना गजब है यार, व्यू अल्टीमेट शानदार, ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है चारों तरफ, अल्टीमेट मजेदार, ठंडे हो गए, ठंडे ठंडे और हो गए, गजब अल्टीमेट, पूरी चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, फॉरेस्ट है पूरा, ये है अर्कावती, अर्कावती रिवर ओरिजिन, लेफ्ट राइट जाना है ना रिवर ओरिजिन के लिए, ऊपर वो है। अच्छा उधर से भी आ जाते शायद, यहाँ से मैंने उसे पूछा था लड़के से। अगर आप यहाँ आने से आते हैं तो आ जाइए, देख लीजिए छोटा सा एक पॉन्ड है, सूख गया है मतलब, सूख गया नहीं है। अगर एक बार कोई होता है ना कि यार वहाँ पर है रिवर ओरिजिन है, ओरिजिन है मेन, भाई अंदर से कहीं से पानी आता होगा पर यहाँ से नीचे चला जाता होगा, ऐसे ही होता है, और क्या होता है, रिवर कहाँ से बनती है। टीपू ड्रॉप करके कुछ है, वो ये व्यू पॉइंट है, मुजरिम होते थे ना, हाँ यहाँ से फेंक देते थे। अच्छा ओ ये है क्या यहाँ, ओम शांति। देखिए क्या शानदार व्यू आ रहा है उधर हिल्स का, और यहाँ पे ये लड़के बियर सीयर पी रहे हैं और वहीं फेंक दिए, मतलब यार हद है यार, ऐसे लोगों की वजह से ही सारा खराब होता है, पॉलिथिन वहीं फेंक दी, बियर की बोतल फेंक दी, ये लोग हैं मतलब ऐसे लोगों की वजह से सारी देखो खराब होता है। चलो भाई इन लोगों का ये मतलब होता ही रहता है ऐसे लोगों का कि चलो पहाड़ पे चलते हैं वहाँ जाके दारू पियेंगे, गंदगी फैलाना। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं चेन्नई के लिए, देखेंगे बीच में थोड़ा सा और, अगर कुछ बीच में भी खाना खाएंगे लंच करेंगे, उसके बाद अगर कुछ और दिखता है आसपास में तो वहाँ से निकल के फिर चेन्नई निकल चलेंगे। 1:46 हो गया है अभी, आराम से 4-5, 5-6 बजे भी निकलेंगे तो आराम से 12-1 बजे पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है चेन्नई का, रास्ता चेन्नई बेंगलोर का अच्छा है तो कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से चलता हुआ रास्ता है, बहुत सारे होटल्स और टोल वगैरह पे भी बहुत अच्छा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है
तो कोई टेंशन वाला काम नहीं है, आराम से मस्त। अभी धूप सी निकल आई है हल्की सी, मगर अच्छा मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा है मौसम, ऊपर ज़्यादा ठंडा है क्योंकि जंगल है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छा है। पहली बार आए थे नंदी हिल्स और बहुत अच्छा लगा देख के। अगर आप नहीं आए तो आइए, हम भी हमारी तरह पहली बार देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा फिर? बढ़िया। कैसा लगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बस ये है कि अब जब निकल रहे तो धूप आ गई। हाँ, थोड़ी धूप सी आ गई, मौसम से खुल सा गया, ऊपर बहुत अच्छा था। चलो आ जाओ। गेट किसका खुल रहा है? मेरा। आइसक्रीम अब 1 मंथ तक कुछ नहीं मिलेगा इस तरह। अब अगली आइसक्रीम 1 मंथ बाद, ठीक है? 1 मंथ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। ये एक जिंदगी काफी नहीं है। और ये गांव में आ गए हैं, और ये यहाँ पे देखिए कितना कीचड़ भी चला गया, ऑफरोडिंग आ गया पूरा। पूरी ऐसी काल तली है, रोडी रोडी नहीं है। अरे भाई जंगल सही है एक तरह से। हाँ, गांव का एरिया, गांव का जंगल का एरिया। तो ओ हो हो हो, इसमें इतनी जगह ही नहीं है ट्रक को। अभी क्रॉस किया है साइड से, कर दी थे मैंने।